नमस्कार। देखिए कक्षा 8 असेंबली 1.2 की संख्या लेखापन निरूपित करना। संख्या लेखापन निरूपित करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उनके हलों को समान करने चाहिए। पर इसके हर आपको लिखने कितनी संख्या लिखनी है ये देख लेना, इसको संख्या लेखापन निरूपित करना है, इसका हर है हर वही चलना चाहिए। जैसे आपको बता रहा हूँ सवाल नंबर 1 है, इसको संख्या लिखा पर और ये पॉजिटिव है, प्लस के हैं 0 और इसके अंदर क्या है इसे इंच में ले लेना, क्योंकि सेगमेंट बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसके अंदर ये इंच में 1 ले लेना और ये 2 ले। अब आपको कितने लिखने, 7/4, तो हरता पर यहाँ पर 4 लिख देती, 0/4 इसका मतलब 0 हो जाएगा। फिर कितने 7 चाहिए आपको, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 का मतलब 1, ये आपके 1 हो जाएगा। अब एक बार फिर देख लीजिए आप, इसके हर दे रखा है, हर कितना दे रखा है 4, तो आप इसके 4 के अनुसार चलो, उसको 0/4, 1/4, 2/3, ये 3/4 और 4/4, इसका मान ये 1 हो जाएगा। अब आपको तो आगे बढ़ना है, 7 तक जाना है, तो अपन क्या करेंगे, फिर 5/4, फिर 6/4, फिर 7/4 और ये हो जाएगा 2 चाहिए तो 4, 8/4 हो जाएगा, इसकी जगह अपन 2 ऊपर लिख दो और ये 8/4 हो जाएगा। ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं। तो आपको चाहिए 7/4, 7/4 कौन सा है, ये वाला 7/4 आपके अंकित कर सकते हैं। पर ये अपन ने देख लिया, पर दूसरी अपन देखते हैं दूसरी बार कि ये सवाल नंबर 2 है, इसमें देखते अपन माइनस का है 5/6, माइनस का है तो माइनस बाई साइड होता है और पॉजिटिव प्लस दाई साइड होता है, तो अपन इसको क्या करते हैं, ये अपन ने ले लिया। अब अपन 0 इधर लेंगे, 0 इधर लेंगे क्योंकि बाई साइड चलना अपन को माइनस का है और इसका हर कितना है 6 है, तो ये 6 अपन ने लिख दिया, 0/6 का मतलब 0, फिर कितने चलना है 5, तो आपकी 5 चलना है, माइनस 1/6, माइनस 2/6, फिर माइनस 3/6, माइनस 4/6 और माइनस 5/6, और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस 6/6 का मतलब माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे अपन लिस्ट के अंदर देखते हैं कोई सी संख्या है उसका हर देख लो, हर देखने के बाद में अपन देख लेते हैं, और यदि जैसे संख्या ये ऐसी संख्या है अनुचित संख्या है, अंश बड़ा है, तो इसको आगे भी अपन बढ़ाना पड़ेगा, अंश अगर छोटा है उचित बिने इस तरह से अपन इसको कर लेते हैं। पर ये कह रहा है कि 5 परिमित संख्या लिखी, सवाल नंबर 3 कह रहा है 5 परिमित संख्या लिखी, किससे लिखी है, 2 से छोटी 5 परिमित संख्या आपको लिखनी है, 2 से छोटी अब कई प्रकार से है, जरूर नहीं है कि मैं लिखा वही फिक्स है, आप इसको प्लस में लिख सकते हो माइनस में लिख सकते हो, इसने दे नहीं रखा है इसे तो कि पॉजिटिव आपको लिखना है नेगेटिव में लिखना है, तो अपन तो इसको पॉजिटिव पे लिख लेते हैं। अभी देखते हैं अपन ये पॉजिटिव में लिखते हैं अपन ये 0, अब कितने 2 से छोटी लिखेंगे, 2 अपन ने यहाँ ले लिया, अब 2 से छोटी देखो अब डेढ़ भी हो सकती है, 1/1/2 भी हो जाएगी, इसके बाद में 1 भी हो जाएगी, 1 भी हो गया, इसके बाद में 0
बीस से छोटी है, कितने ही एक दो तीन चार चार हो गए। अब तो दो और लिखनी है आपको, कितनी लिखनी है इसके अंदर, पांच लिखनी। तो इसके अंदर फिर माइनस में आ जाओ, माइनस एक माइनस एक सही एक बटे दो, इस तरह से अपन इसको कितनी हो गई एक दो तीन चार पांच, पांच संख्या हो गई। अगला आप चाहते हो कि सर हम तो प्लस में लिखना चाहते हैं, तो प्लस में भी आप लिख सकते हो इसको। जैसे इसको ये एक सही एक बटे दो का मतलब डेढ़, डेढ़ के बाद में पौन भी लिख सकते हो, पौने दो भी लिख सकते हो आप, फिर इससे भी इधर भी लिख सकते हो, ऐसे एक सही एक बटा चार लिख सकते हो आप, कई प्रकार से लिख सकते हैं। पर ये मैंने बताया आपको बिल्कुल सीधा तरीका है। इसका अगर दो लिखा, डेढ़ लिख दिया, एक लिख दिया, जीरो माइनस एक और माइनस एक बट्टे दो। आप सोचे होगी कि सर ये तो माइनस एक और माइनस एक बट्टा दो तो बड़ी है, कभी ध्यान कर लेना माइनस की संख्या है जितनी अधिक होगी उसका मान क्या कम हो। जैसे माइनस सात और माइनस पाँच, और इसमें कौन सी बड़ी है, तो अपन की ये छोटी संख्या कितनी, ये तो आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी और ये वाली छोटी हो जाएगी, कितनी भी आप चलोगे। इसी प्रकार से ऐसा मान के चलते हो कि माइनस पाँच और जीरो, इसमें कौन सी बड़ी है, जीरो बड़ी होगी, क्योंकि माइनस की ये प्लस की है, जीरो को माइनस प्लस नहीं होता है, पर ये आपके लिए क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। और मालूम नेगेटिव में दोनों, तो नेगेटिव में मैंने आपको बता दिया, और दोनों पॉजिटिव में जैसे सात दो, अब इसके अंदर वैसे ही पता लग रहा है सात बड़ी है, इसके अंदर इस तरह से अपन देख लेते हैं। अगर नेगेटिव की है तो नेगेटिव में छोटी संख्या है वो बड़ी होगी, बड़ी है वो छोटी होगी, इसका पॉजिटिव है दोनों ही, तो जो बड़ी है वो बड़ी, छोटी है वो छोटी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो इसके अंदर क्या है पॉजिटिव वाली क्या होती है बड़ी होती है, नेगेटिव वाली छोटी होती है आपकी। इसके अंदर और कुछ ले सकते हो आप, माइनस सात दो लिख सकते हो, तो ये दो बड़ी होगी क्योंकि माइनस संख्या है, ये तो छोटी हो जाएगी और दो इसके अंदर बड़ी संख्या ये हो जाएगी। इसके अंदर अपन देखते हैं और भी कई तरीका से अपन इसको लिख सकते हैं, इसका जो नहीं मैंने लिखा है वो ही लिखो आप, और भी दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। फिर कह रहा है दो बटे तीन, चौथा सवाल है दो बटे तीन और चार बटे पांच, इसके मध्य कितनी संख्या लिखनी है, दस लिखनी है। अपन दस लिखने के लिए क्या करते हैं, इसमें बिल्कुल सीधा तरीका है, इसका जो हर है उनका ले से लिखो आप, तो तीन और पांच का ले, तीन व पांच का ले से लिया अपन ने, कितना आया पंद्रह। अब पंद्रह के गुणांक का अपन देखते हैं, पंद्रह का इसमें पंद्रह में तीन पाँच का भाग जाएगा, पाँच दिन के दस लेंगे तो इसमें तीन तो दस, और फिर तीन बार जाएगा तो बारह, तो इसमें दस संख्या नहीं आ रही है, तो इसको दुगना कर दो। फिर क्या करेंगे अपन, इसको तीस कर लेते हैं, तीस के अंदर तीन का भाग देते हैं, तीस में दस बार जाएगा, फिर दस दुआ के बीस हो गए, फिर तीस में इसका छः छः सौ को चौबीस हो गई, इसमें भी दस नहीं जा रहा। तो अपन क्या करते हैं, आप इसकी ऐसी स्थिति में 45 में देखते हैं, 45 में ये तो जाएगा तीन का भाग, कितनी में जाएगा पंद्रह बार, और पंद्रह उनके 30 हो जाएगा, और ये जाएगा नौ नौ चौको 36, तो ये भी आपकी नहीं हो गई। तो क्या सर आपको ऐसे कैसे पता लगेगा, कैसे कर पाएंगे, हमें तो कोई समझ भी नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, पहले पंद्रह बनाते हैं, तीन का भाग दिया पाँच बार, तो पाँच से ऊपर नीचे दस बटे पंद्रह, अब इसके अंदर पाँच का भाग दिया तीन बार बारह और ये पंद्रह, अब ये कम पड़ गया, हमें पता लग रहा है कि इसकी मत तो संख्या ही नहीं अपनी दस संख्या।
दस की जगह पे दस से ऊपर नीचे इंटू कर दी। तो ये लो, ये सी को चढ़ा दो ना, आपको सीधा पड़ेगा आपके, जैसे 10/15 इंटू 2/2, ऐसे इसको करते अपन 12/15 इंटू 2/2 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 20/30 और इसके अंदर 24/30। ये इसके अंदर ये नहीं जो रहा है, तो अपन क्या करते हैं इसको 45 से मल्टीप्लाई करके देख लेना ऐसे, तो 60 करके दिखा दूंगा। तो 20/30 इंटू 2/2, तो इसका मतलब हो गया ये 40/60 हो गया। फिर आगे देखते हैं इसको अपन, 24/30 इंटू 2/30 बराबर 48/60। अब भी आपने देखो 40 और 48 8 ले गए, और इसको क्या करोगे आप, 75 बना लो, 120 बना लो, तो आप 75 बनाना चाहते हो तो 75 बना लो आप इसको, 75 बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको 120 बना लो। अब जैसे सुविधा पड़े जैसे कर सकते हो आप, जब नहीं है इसको 90 भी बना सकते हो आप, जैसी सुविधा आपको दिखे ऐसे कर सकते हो आप, 180 और ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे करोगे इसको 120 बना देंगे अपन, 40/60 इंटू 1/2/2 80/120 हो जाएगा। दूसरा है 48/60 इंटू 2/2, तो कितनी हो गई, 16 का 6 का आंसर किए और 8 में 9 6/120, तो 10 पर भी संख्या है। संख्या 10 पर भी संख्या देखिए आप, इसका अंदर कितना है 80, तो 81/120, 82/120, ऐसे 83/120, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं कितने, 96/120, ऐसे आप 10-15 जो भी है वो आप लिख सकते हैं। थैंक्स, और कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके कमेंट्स करके कर सकते हो। देखिए मैंने पूरी विधि समझाई है आपको, फिर भी कोई समस्या है तो आप कह सकते हो। थैंक्स।